आज आपको दिखाने वाले हैं बिजवा माता मंदिर, जो कि ये बना हुआ है डूंगरपुर राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, इस मंदिर की क्या खासियत है और क्या यहाँ पर लोग यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्यों, मतलब क्या रीज़न है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में पूरा हर चीज़ बताने लगा हूँ, तो बने रहें इस ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, आपको जो यहाँ पर दिख रहे हुए हैं, ये पूरा मार्केट बना हुआ है, मार्केट उस तरफ से पूरा फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बना हुआ है माता जी का मुख्य द्वार, तो हम यहाँ पर एक बार अंदर जाके भी देखेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है मार्केट के अंदर, जैसे लकड़ी वाली चीज़ है, तो क्या है क्या नहीं, मैं वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बना हुआ लकड़ी का हाथ, ये बना हुआ पैर, और दोस्तों यहाँ पर सब ये अलग अलग डिज़ाइन में आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये देख लो आप, ये यंग है, ये पूरा शरीर का ना, अच्छा ये शरीर का है। तो दोस्तों, ये पूरा अलग अलग आकृति के बने हुए लकड़ी के अंदर। तो दोस्तों, ये क्यों लेके जाते हैं, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों देखो, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की आकृति बनी हुई है, और भाई साहब यहाँ पर पूरी एक दुकानें लगी हुई हैं चारों तरफ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, अब चलते हैं मंदिर के अंदर, जैसे आपको पूरे थोड़ी डिटेल के अंदर बताने वाले हैं क्या है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इसके एक वीडियो हमारे चैनल था, तो इस मंदिर की जो पुरानी एक वीडियो थी जो चैनल था, उसमें डाल रखी थी, आपके लिए एक नई वीडियो फिर से हम बना रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। का मंदिर, जैसे यहाँ पर झंडी भी डाली जाती है, और ये बना हुआ हवन कुंड। तो दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के अंदर, मुख्य द्वार यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है कि जिसके मतलब पैर में, हाथ में, शरीर में किसी टाइप का पेन दर्द होता हो, तो यहाँ पर जो दर्शन करने से उसका निवारण होता है। और दोस्तों, ये मंदिर है माता रानी विजवा माता का। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे बकरे हैं, टुकड़े मतलब सब यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और दोस्तों, जो से बाहर से हम जो पैर खरीदे थे, वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं माता रानी को, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पैर वेर सबको चढ़ा दिए गए। तो मतलब दोस्तों, जिसके बंदे के पैर में या किसी चीज़ के अंदर मतलब कोई दिक्कत होती है, तो उनके मतलब जैसे हाथ पैर में दर्द या ऐसा कुछ भी होता है, तो उनको मतलब यहाँ पर चढ़ाने से उसका निवारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाया गया पूरे मतलब दान वान सब कुछ चढ़ाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये सारी जो भीड़ है, ये लगती है संडे के दिन भीड़ लगती है पूरी। और मम्मी भी यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन करके, हम भी अंदर जाके आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है माता रानी का मंदिर, जो मतलब दोस्तों संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, और माता रानी की कृपा से यहाँ पर पैर वेर हड्डी हड्डी के अंदर कोई भी दिक्कत होता है, सूजन वजन ऐसे, तो मतलब यहाँ पर माता रानी की मन्नत रखने से यहाँ पर हर चीज़ के जो रोग हो कुछ भी होता है वो दूर होता है। तो दोस्तों, आप जानेंगे पंडित जी से मुँह से कि मतलब ये क्या है क्या नहीं। तो पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम सुनील है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मंदिर की थोड़ी विशेषता है, बताऊँगे आप क्या है क्या नहीं। मंदिर करीब 700 से 800 साल पुराना है, यहाँ लफ्फाग्रस्त विशेष करके लफ्फाग्रस्त लोग आते हैं यात्री, प्रत्येक रविवार को मेला लगता है, और यहाँ सवा महीना जो लफ्फाग्रस्त लोग रहते हैं, तो सवा महीना दोनों टाइम आरती लेने के बाद पेशेंट ऐसे है जो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने इनको बोल दिया भाई छुट्टी हूँ, तो यहाँ के माताजी के चरणों में धोख देने से काफ़ी अच्छे होके गए हैं। आज भी प्रत्येक रविवार को मेला लगता है, और नवरात्रि में विशेष श्रृंगार होता है, और रविवार को भी विशेष श्रृंगार होता है। जय माता जी। जय माता, धन्यवाद। तो दोस्तों, माता की रानी के तरफ से हमको आशीर्वाद प्रसाद और चुन्नी दी जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भीड़ लगी होती है, और हर संडे यहाँ पर लगता है भीड़। तो अब दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा कवर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको देख रहे होंगे यहाँ पर पूरा मंदिर का बाहर का कुछ हल्का सा नज़ारा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। अब चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। तो आप देख रहे होंगे भीड़ भीड़
धागे वागे बांधते हैं, इसे भी धोकर होता है। और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है वो ये हर संडे को मेले के रूप। तो दोस्तों ये जो भीड़ है हर संडे को यहाँ पर लगती है। तो दोस्तों जैसे आप बाहर का थोड़ा कवर करते हैं मेन मार्केट में, जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हल्की सी जो कोई भी चीज़ की समस्या होती है यहाँ पर मन से जो धारणा करके यहाँ पर चिपकाते तो जैसे कौन चिपक जाता है, जैसे आपने देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दीवार के ऊपर भी पैसे चिपकाए जा रहे हैं, जो कि मतलब जो मन के जिंदा जो इच्छा धारण करके हम चिपकाते हैं वो चिपक जाते हैं। यहाँ पर बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से है। और जो मतलब जो दुख के दुखियारे जो लोग आते हैं इनका यहाँ पर झंडी डाल के मतलब दुख दुख दूर किया जाता है। और दोस्तों जो लकड़ी के पेड़ हैं जो पुतले मैंने आपको बताए थे बाहर, वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और भी बाहर थोड़ा हल्का सा कवर करके आपको फिर लेते हैं आपसे विदाई। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे लोग किस किस कंडीशन में यहाँ पर लेके आते हैं, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब दोस्तों जैसे चलने में घूमने में किसी भी प्रकार की कोई संभावना होती है, दिक्कत होती है, पैरालाइज जैसा हो जाता है तो यहाँ पर लेके आते हैं लोग। जैसे आप दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ से पैर में चेयर पे बैठा के यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर जाता है और लोग अपने हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये था कुछ बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों ये है बाहर का मार्केट और थोड़ा कुछ और हल्का सा नज़ारा आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों इसका ब्लॉग मैंने हमारे पहले वाले चैनल के ऊपर हमने लगा रखा था, जो कारणवश यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। और दोस्तों ये हमारा नया चैनल है और इसको आपका सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तो दोस्तों यहाँ पर वॉइस की भी दिक्कत है थोड़ा हल्के आसपास में गाड़ियाँ वाड़ियाँ पॉल्यूशन दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ब्लॉग व्लॉग बनाने में बहुत बार दिक्कत भी आती है। और दोस्तों यहाँ पर का बहुत सारा मार्केट बना हुआ है, देखो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसको संडे के दिन ये मार्केट लगता है और सस्ता मार्केट होता है एकदम। हेलो माता कौन है? मम्मी है। हां मम्मी दे दादा को ये यही किम ने क्या के है? भटूरिया ले भटूरिया। अच्छा भटूरिया है, क्या ले रहे मम्मी? क्या ले रहे देखते हैं एक बार जाके क्या ले रहे हैं मार्केट में शॉपिंग का। एक बार इनको हम कहीं मेला वेले में भेज देना तो मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ खरीद के निकलेंगे से यहाँ से। यहाँ पर गणपति की मूर्तियाँ और बटुए ये क्या है? माता जी की माता का मानता रखते हैं, किसी को डिलीवरी हुई है ना दूध नहीं आता तो माता जी को मानता रखते हैं इससे कि बेड़ा दूध चढ़ाएंगे माँ को, तो फिर ये भर के छोटा सा बेड़ा उसको माँ को चढ़ाते हैं, इसके संतान को दूध नहीं आता माँ का भरपूर दूध आता है। अच्छा अच्छा दोस्तों कुछ जानकारी मिली होगी और नई जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।